नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं विव इंडिया न्यूज। यहां दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले की रामनगर क्षेत्र से आ रही है, जहां रामनगर प्रखंड अंतर्गत सोहसा पंचायत के फुलवरिया गांव में बीती रात को गोली लगने से एक 65 वर्षीय व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति की पहचान 65 वर्षीय मुख्तार शाह पिता स्वर्गीय रज्जाक शाह की फुलवरिया निवासी के रूप में हुई है। वही घायल मुख्तार शाह ने बताया कि मैं रात को खाना खाकर अपने बंगले में सो रहा था। करीब 11:30 बजे के 6 लोग अंदर आए और कुछ लोग बाहर खड़े थे और मेरे साथ धक्का मुक्की करने लगे। फिर बंदूक मेरे तरफ दिखाकर मुझे उठाकर गांव से पश्चिम ले जाकर मुझसे बजना बजनी करने लगे और जब मैं वहां से भागना चाहा तो मुझ पर गोली चला दी गई। आपको बताते चले कि मुख्तार शाह की बहू का कहना है कि मेरे ससुर मुख्तार शाह खाना खाकर बंगला में सो रहे थे, अचानक उनके कमरे की तरफ से गोली चलने की आवाज आई तो मैं वहां गई तो देखी मेरे ससुर को पकड़े हुए हैं और जब मैं गई छुड़ाने के लिए तो मेरे सिर पर बंदूक रख कर धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया और मेरे ससुर को लेकर वो लोग चले गए। वही हमारे चैनल के संवाददाता ने आरोपियों का नाम पूछा तो उनके द्वारा 14 लोगों के नाम बताई गई। क्यामुद्दीन शाह, किताब शाह, सरफुद्दीन शाह, सलाउद्दीन शाह, जहांगीर शाह, मैमुल्लाह शाह, नूरुल्लाह शाह, अशरफ शाह, जिक्रुल्लाह शाह, समीउल्लाह शाह, वलीउल्लाह शाह, करीमुल्लाह शाह। वही जब हमारे संवाददाता इस घटना को लेकर पीड़ित परिवार के द्वारा जिन लोगों पर आरोप लगाया गया उनसे संवाद किया तो उनके द्वारा बताया गया कि पहले से हम लोगों से विवाद चल रही है, उसी को लेकर हम लोगों को फंसाया जा रहा है। हम लोगों पर लगाया गया आरोप बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा आरोप है। रिपोर्टर मोहम्मद रईसुल आजम के साथ कैमरामैन कलीम कुरैशी की खास रिपोर्ट। क्या पड़ेगा? मुख्तार साहब। आपका नाम? फुलवरिया। थाना? रामनगर। आपके साथ क्या हुआ था, कितना बजे? सुपर में 10-11 बजे करीब 11:30 में हुआ। 11:30 बाद में डूब गया, घर ला गया, पकड़ ले गया, मेरा बात भेज के बंदूक भेड़ा के हमारा टांग कर लेके चल गया और वो 5 आदमी बाहर आ रही है। 5-6 आदमी बाहर आ रहे हुए, 9 आदमी अंदर घुस रहे हुए। मेरा बात हमारा के लेके पड़ गया। किधर लेके गया था आपको? गांव से पश्चिम। गांव से पश्चिम नदी करी वाले एक बार पत्र ले चले गए चिमनी में डाल रहा लग रही है। जब चिमनी में कह रहे थे ले जाके डाल देंगे। मेरा बात गांव के लोग कारा का फोन कर रहे थे, फोन उनको बस गांव के लोग आने लगा। कब गांव के घर के लोग हल्ला किया तू? महाजन बहलाने हो गया। हाँ बोले गए आप बजना बजने हम सुन गए बजना बजनी भी और भागे बस छुड़ा के भागे तो गोली हमको मार दी। गोली मार दी आपको? वेलकम बैक, मैं मोहम्मद रईस और आप देख रहे हैं वेव इंडिया न्यूज। अभी मैं रामनगर प्रखंड के सोहसा पंचायत गांव में मौजूद हूं और कल रात को यहां पर एक बहुत बड़ी भयावह स्थिति बनी हुई थी। गांव में पूरा अफरा तफरी हलचल मच गया था। रीजन क्या है क्या नहीं है, आइए हम लोग यहाँ से जो यहाँ के लोग हैं आसपास में जो इस घटना में को देखे थे या जितनी जानकारी है इनसे हम लोग बात करेंगे। हालांकि ये इस प्रकार की है कि घटना जैसे कि इस रामनगर प्रखंड में मालूम नहीं क्या हो गया है, कभी मुखिया प्रतिनिधि पर गोली मारकर जान से मारने की साजिश की जा रही है तो किसी को घर के अंदर बंद करके मार कर उसको भी जान ले ली जाती है तो किसी को मार कर फेंक दिया जाता है। तो यही भयावह स्थिति हमारे रामनगर प्रखंड में बनी हुई है। कभी गरीब को सताया जाता है तो कभी उस पर जुल्म किया जाता है तो कभी कुछ करके बहुत ऐसी मतलब की समस्या इस प्रखंड से उत्पन्न हो रहे हैं। क्या ये समस्या अभी भी उत्पन्न हो गया, होने की क्या वजह है क्या नहीं, क्या कोई जाति समस्या है या इसका रीज़न क्या है, तो आइए हम जानने की यहाँ के लोगों से मैं कोशिश करूँगा क्या वजह है कि कल यहाँ पर गोलीबारी चली और पेशेंट की क्या स्थिति है, क्या उसकी मृत्यु हुई है। तो मैं सबसे पहले जो यहाँ के हमारे ओल्ड नहीं बल्कि यूथ हैं मैं इनसे मैं जानने के लिए मैं पूरी प्रयास करूँगा स्थिति कल की क्या रही। सर क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जमालुद्दीन। सर कल घटना क्या घटी, किस प्रकार घटी आप इसे बताएं। कल 11:30 बजे रात को हम लोग तो सोए थे, हम तो यहाँ नहीं है गांव में के हैं,
जब फायरिंग हुआ तो हम लोग का नींद टूटा, ठीक है। उसके बाद में फायरिंग के आवाज़ में थोड़ा हम लोग सोच समझ रहे थे, तब तक शोर मचने लगा, ठीक है। जब शोर मचने के बाद हम लोग शोर सुनकर उस तरफ आए, उसके बाद में सब आदमी दौड़ पड़े, मस्जिद में ऐलान भी हो गया। उसके बाद में हम आए तो पीछे के रास्ते सब लोग जा रहे थे, अच्छा, ठीक है। साथ में हम भी जा रहे थे उनको ढूंढने, सब बोल रहे थे कि उसको किडनैप हो गया, किडनैप हो गया। जब हम गए तो जब पीछे के साइड गए तो फिर पश्चिम के साइड में फिर एक फायरिंग हुआ, ठीक है। उस फायरिंग के पीछे हम लोग खेत की तरफ गांव में हाँ नहीं, यहाँ से ये घर के पीछे लेकर गए बगीचे के साथ में, और बगीचे के साइड साइड से लेकर और मस्जिद के पीछे से लेकर नदी के तरफ फिर निकल चुके हैं वो लोग। जब नदी के तरफ से निकल कर फिर जब आगे फायरिंग हुआ, हम लोग इधर ढूंढ रहे थे, जब आगे फायरिंग हुआ तो फायरिंग की आवाज़ सुनकर हम लोग गए तो वहाँ खेत के पास एक पुल है, छोटी सी पुल, उस पुल के पास में रोड है, जैसे PCC रोड है, नहीं ये ढलाई वाला रोड है, वो रोड के ऊपर वो गिरे थे और खून से पूरा लथपथ था, लथपथ था वो, ठीक है। वो चिल्ला रहा था बाप बाप, तब हम उसको अपने कंधे पे उठा कर लाए और अपने ऑटो सवारी पे उसको सरकारी हॉस्पिटल भेज दिए उसी रात को। आइए एक यहाँ पर चाचा है, इनसे मैं बात करता हूँ, क्या स्थिति है, क्या क्या ये देखे, हालांकि इनको अच्छा खासा इसमें जानकारी है। सर क्या कहना चाहेंगे कल की जो घटना हुई थी उसके बारे में आप? वही 11:30 के लमसम में हल्ला हुदुम हुआ, जब मुख्तार शाह को अपहरण हो गया। हम लोग घर से आए, आकर मस्जिद के बगल में खड़ा हो गए, इधर से लोग घूम के बगीचा और से आया, कुछ सुराग नहीं मिला। तो उनका घर कौन, उनका घर यही है मुख्तार शाह, हाँ। इधर से बगीचा और से लोग घूम के आ रहा था, हम लोग सब लोग यहाँ रोड पर खड़े थे। उसके बाद पूछे कि क्या हुआ था, इधर नहीं है, तो हम लोग सोचे कि चलो पश्चिम देखो, पश्चिम पूरा खाली है, इधर तो नहीं ले जाएगा कोई, जो भी ले जाएगा इधर नहीं ले जाएगा, चारों मास से गांव है, जब ले जाएगा तो पश्चिम ले जाएगा। हम लोग यहाँ से 20-25 लमसम 20 नहीं 40-50 आदमी एक साथ में निकले। अच्छा सर, गोली मारने की कुछ वजह क्या होगी, क्या कौन लोग थे? नहीं नहीं, ये तो हमको पता नहीं है सर। हम जब वहाँ गए, दौड़ के गए तो मुख्तार भाई को देखे जो रोड पर गिर गए थे आ गोली लगा हुआ है। हम लोग टांग ओंग कर लेके आए नजाम शाह के द्वार पर, मेन रोड पर, वहाँ से हम लोग अपना एम्बुलेंस टेम्पो में बैठा कर हम लोग हॉस्पिटल में गए सरकारी। वहाँ गए तो 10 मिनट रुके, 10 मिनट के बाद वो रेफर कर दिए, हम लोग चले गए बेतिया। अभी इस टाइम तक 8 बजे तक अभी उनको गोली नहीं निकला था, आ कोई डॉक्टर उसको इंतजाम नहीं हो रहा है बेतिया में। नहीं मीडिया ला गए थे और नहीं डॉक्टर अभी इनको इंतजाम कर इनका रहे थे। इनका आरोप है बेतिया का जो सरकारी हॉस्पिटल है कि जो इनका पीड़ित जो वहाँ पर गए हुए हैं अपने मर्डर के बाद, मतलब गोली लगने के बाद इलाज के लिए, तो उनकी जो है ट्रीटमेंट में बहुत कमी कोताही की जा रही है, मतलब देख रेख अच्छे से नहीं हो रही है, बिल्कुल इनका सीधा आरोप है सरकारी हॉस्पिटल बेतिया पर। आगे सर क्या हुआ? आगे हम वहीं थे, अब इस टाइम क्या हो रहा है, अब तो हम घर चले आए हैं, हमारे भी परिवार है, घर के लोग बुला रहा है, हम भी छोड़ के चले आए हैं, अब क्या हो रहा है अब इस टाइम पता लगेगा जहाँ कैसे क्या गुजरा है। ये थे यहाँ के ग्रामीण, आइए हम उनके पुत्र से मिलना चाहेंगे, क्योंकि इनके पुत्र से अच्छा और कोई नहीं तो जान सकता, हालांकि इन्हीं के घर के वो इनके पिताजी हैं। हाँ सर, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सिराज सर। सर जिनको गोली लगी उनका वो आप उनके कौन हैं? हम उसका बेटा हैं। सर गोली कब लगी थी, कहाँ लगी थी, कैसे लगी थी, आप जरा बताएं हमारे चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को। लगभग 11:30 बजे क्या हुआ सर, कुछ जाति पहले से दुश्मनी था, ठीक है, हमारे पे केस हुआ है, धमकी दे रहा था बार बार जो हम कोयला बोवा देंगे, ठीक है, वही लोग मारे हैं। मोहम्मद किमदीन शाह, किताबुद्दीन शाह उसका लड़का है, सफुरद्दीन, सलाउद्दीन और कमुरला सैनुल्ला मैनुल्ला अशरफ अली शाहजहाँ जहागीर जिकुरला नूरला ये सब लोग मिल के मारे हैं। अच्छा सर, जो आपके पिताजी हैं उनको कहाँ से टांकर लग गया था? यही घर में से टांग। मैं आपको ये दिखा दूं कि इनके अनुसार इसी घर में इनके पिताजी सोए थे रात को और यहीं से टांकर लग गया लेकर गया था। हमारे कैमरा मैन साहब जरा एक बार इसको दिखाइए, विद्युत रूपशाला, इसकी तो दीवारें मजबूत
नहीं है, पूरी तरफ टाटी वगैरह है, जान की तो हमेशा इसमें खतरा रहेगी अगर कोई व्यक्ति सोए होगा। टाटी वोटी सब टूट गया है, ठीक है, जबरदस्त हुआ, मुंह बांध कर ले गया। और सर कोई आपकी जो हाँ हमारा फैमिली लोग हैं जो इसको डीपली बता सकते हैं? हाँ पूरा कंफर्म। आइए सर, आइए, जरा आइए सर। क्या नाम हुआ आपका? मुबीना खातून। कौन है ये आपके जिन कोई लगी है? ससुर है। ससुर है, क्या हुआ कल रात को, कुछ बताएंगे आप? कुछ नहीं होता, वो खा के सो रहे थे बंगला में। जी घर में? हाँ यही घर में, 11:30 बजे की बात है। तो कब से बाजना बजनी और हमको मालूम नहीं था, तो जब गोली की आवाज़ सुनकर हम दौड़ल आई इधर, तो जब यहाँ इधर पर आई तो मेरे पीछे सब ये आई थी। यहाँ आकर मैं हम पकड़े थे, वो लोग जो छोड़ दो तो नहीं छोड़ रहे थे। ओकरा अलावा कान पट्टी पर पिस्तौल तान कर गिरा दिया हमको यहाँ धक्का दे कर। आ गिराने के बाद हाँ चोट वगैरह आपको लगी होगी? चोट लगी थी, तो अब शरीर क्या दिखा है हम कपड़ा निकाल कर? नहीं यहाँ पर, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर ढक ले थे, तो सारा साल बाद में पाँखियों के लगी थी। ओकरा बाद में हम टॉर्च बार लिए थे, उनको मुँह पर देख लिए तो सबको चेहरा। कौन कौन थे मैम, कौन कौन थे? क्यामुद्दीन, किताब, सरफुद्दीन, सलाउद्दीन, नूरला, जिकुरला, अशरफ, मैनुल्ला, शाहजहाँ, जहांगीर, शाहजहाँ लड़की भी, शाहजहाँ मरला, हाँ कमुरला, इतना लोग मैं हम देखे थे। मतलब यहाँ से पटका पटकी करके उनको टांग कर ले गए? हाँ, फायरिंग हो गया था, तो जब हम चिल्लाए थे ना तो लेकर भाग गया इधर से। हाँ दिखाइए। और यही है बगीचा जहाँ से उनको टांग कर लेकर गया था। और क्या हुआ, और कोई है आपके पास में जो देखा था घटना को? जी अब इधर क्या नाम हुआ आपका? मुशर्रत। मुशर्रत कौन थे आपके? अब्बू। अब्बू तो क्या हुआ, घटना कैसे घटी? हम लोग घर में सो रहे थे तो फायरिंग हुआ, तो जब निकले तो वो हमारी अब्बू को खींच कर ले जा रहे थे, तो बजना बजनी कर रहे थे, तो हम लोग भी गए थे, वो हम धक्का मार कर ले कर भाग गए। तो हम लोग गांव वालों को चिल्लाया तो देखो तो इस तरफ, हम लोग बोल रहे थे इस तरफ ले, तो इस तरफ से हेल कर नदी पर ले कर चले गए। अच्छा, घर पर कोई जेंट्स नहीं था? नहीं, हमारे घर पर कोई नहीं था। नहीं था, नहीं। चलिए, ये थी घटना, इनका आरोप है। अभी आप नाम तो सुने हैं, क्या वजह है तो क्या नहीं, और फिर भी चलिए मैं तो इसके बाद आइए हम बताते हैं। जैसे कल आप अभी खबर में देखे हैं, कल रात को जो गोलीबारी में एक व्यक्ति जो घायल हुआ है, उनके परिजनों के तरफ से जिन जिन लोगों पर आरोप लगाया गया है, मैं उनसे आपको मैं बात कर रहा हूँ। चूँकि क्या ये बात सच है या झूठा है, चलिए मैं चाहता हूँ आप इनसे बात कर रहा हूँ। सर आप लोग पहले, आप मैं जिनके पास आऊँगा आप लोग नाम बताइएगा, उसके बाद इसके बारे में बताइएगा। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद कलीमुल्लाह। ये जिनका मर्डर हुआ है, उनका सॉरी जिनको गोली लगी है कल रात को गोलीबारी में, उनका क्या नाम हुआ? मुख्तार। तो मुख्तार साहब के परिजनों के द्वारा, घर वालों के द्वारा वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि उसमें कुछ लोग शामिल थे, उसमें आप भी शामिल थे, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? हमारी तबीयत खराब है सर, हमारे भाई से पूछिएगा, सब बता देंगे। नहीं सर, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? झूठा इल्जाम लगा रहे हैं सर, झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ सर, आपका क्या नाम पड़ेगा? वलीउल्लाह साहब। वलीउल्लाह साहब, जो कल जी गोलीबारी हुई थी उसमें एक आदमी घायल हो गया है, उनका नाम तो आप कुछ जानते हैं जी, क्या नाम पड़ेगा उनका? मुख्तार शाह। तो मुख्तार शाह जो घायल हो चुके हैं, कल रात को उनके परिजनों के द्वारा आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि उसमें आप भी शामिल थे, उनको गोली वगैरह मारने में जो वहाँ पर लोग गए थे उनमें आप भी शामिल थे, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बेबुनियाद आरोप लगा रहा है, वो खुद वहाँ का लोग उन लोगों से परेशान रहता है, बहुत लोग ज़मीन बेचकर वहाँ से उजड़ भी गया, वो खुद कमेटी बनाकर ये साजिश एक रचा है। आज 10-15 दिन पहले हमसे मारा पीट हुआ, उसी के तहत ये लगा रहा है, दोषी हमको ठहरा रहा है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? किताबुद्दीन साहब। किताबुद्दीन साहब, जो कल जिनकी गोली लगी है, तो वह उनके घर वाले आपको भी उसमें नाम ले रहे हैं कि आप भी शामिल थे, आप क्या कहिएगा इसके बारे में? जी मैंने हमारा भाई के मैंने घेर ले रहे लोग मारे के, वो में हम गवाही दे दहनी, ओकरा बदौलत हमार घर फूंक दहलू, कहलू कि जो उजार दहल जाई, वह मुख्तार धमकी दिल बड़न कि जो उजार दहल जाई तो हनी के रहे ना दहल जाई, हम चल गए रही अपना लड़की के खातिर एगो लड़का देखे है, ओकरा बाद में वैसे जब गए रही तो हमरा पता लागल, फोन कैल लड़का कि जो हाँ तारा घर में आग लाग गई,
हमारा सारा कुछ जर के खाक हो गई। हम एबरा रोड पर बानी दूसरा के दहल खा फिर तनी ओकरा बाद में झूठा इल्जाम हुई में उहे बदौलत दुश्मनी साधे खातिर हमारा पे और ऊपर डालल जाता। तो आप शॉर्टकट में छोटी सी मतलब बातों में आप क्या कहना चाहेंगे जो आप पर आरोप लग रहा है? झूठा इल्जाम, एकदम सरसार झूठा इल्जाम। अच्छा, कल आप कहाँ थे जब घटना घटी थी? सूता रही हम दूसरा के घर में, क्योंकि आपका तो घर घर है ये नहीं है, चल गया है। चलिए मैं लास्टली कि एक यहाँ पर युवा है, उन लोगों के द्वारा इनका भी इसमें नाम शामिल है, उनका आरोप है कि यदि इसमें शामिल है। हालांकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं सर, जरा पास में जी और पास में। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मैमुल्ला शाह है। मैमुल्ला शाह जी, कल जो घटना हुई थी एकदम प्रत्यक्ष घुमा कर नहीं सीधे आप पर भी आरोप लगाया तो जा रहा है कि आप भी उस घटना में शामिल थे, जो लोग मारे उनको जो भी लोग हैं। हालांकि खबर बनी है, जो खबर में अभी दिखाया गया है, जो 8, 10, 12 जो भी लोग हैं मारे गए उसमें आप भी शामिल थे उनके टीम में, और वह उनके द्वारा आप पर पूरा आरोप लगाया जा रहा है कि आप भी उनको मारे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर, क्या आपकी राय, क्या ओपिनियन? सर देखिए, उन जितना आदमी का वो लोग नाम रख रहे हैं, हम ही लोग जो हैं उन लोग पर केस किए हैं रंगदारी का जी। आइए, हो थाना में FIR दर्ज है। ये क्या है? ये है, हमारे भाई के व्हाट्सएप पर धमकी आया था जो आप लोग बैंक चला रहे हो, वो आधार कार्ड से लेनी देनी कर रहे हो, उसी में से पैसा वो लोग मांग रहा था जी हमको। ये कौन है फोटो में? ये है आफ्ताब का भाई। आफ्ताब का भाई जी। तो इनका जो है लफड़ा से क्या ताल्लुक है? सर ये सब भाई लोग का बिजनेस है, जो अगर जमीन 10 लाख का जमीन अगर 5,000 में 10,000 में कोई शेयरदार का नहीं भी बन रहा है, अगर कोई 10,000 में लिख देता है तो वो लोग लिखवा कर वो लोग वही धंधा से जीते हैं खाते हैं, उन लोग का धंधा बिजनेस वही है आफ्ताब आलम का। और आप इसमें देख सकते हैं, अब मुझे तो नहीं पता कि यह कौन है। ये आफ्ताब का छोटा भाई है। ये आफ्ताब का छोटा भाई है महताब आलम। ये आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा ये हाथ में सिक्सर है या कोई बंदूक है, पूरा क्लीन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, देख रहे हैं कि किस तरह एक फ़ोटो खींच कर। सर ये आपको फ़ोटो कहाँ से मिला? जी हमारे भाई का जो बैंक चलाते हैं ना, आधार कार्ड से पैसा वैसा निकलवाते हैं। अच्छा, उन्हीं के नंबर पर ये फोटो आया था। जी लास्टली सर आपसे एक और सवाल है कि आप पूरी बातों का निचोड़, मैं चाहता हूँ कि सीधा बात बताएं, जो उल्लू वे लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं इस पर आपकी क्या राय है? बस एक ही मैंने समझिए ना, जी कानून अगर चाहेगा ना तो सिर्फ मुख्तारे शाह से पूरा निचोड़ निकाल लेगा, जे कौन किसका किसका इसमें हाथ है और कौन फिल्म में बता रहे हैं लोग। अब तो हम लोग 11:30 में फोन आया था हमारे पास, 1 मिनट में फोन आया जे 11:30 में फोन आया हमारे पास जे मुख्तार आलम मुख्तार शाह को किडनेपिंग करके लेके चले गया, और फिर 2 मिनट के बाद फोन आया जे मुख्तार शाह को गोली लग गया, और वो भी फिल्ली में सुन रहे हैं, जो फिल्ली हम तो देखे नहीं है, फिल्ली में लगा है। प्रशासन अगर चाहेगा तो ये महताब आलम आफ्ताब आलम जितना आदमी जो है ना उतना आदमी को चाहेगा तो प्रशासन जो पता लगा लेगा जो ये लोग किस तरह गेम खेल कर हम लोग पर आरोप लगा रहे हैं। ये इस प्रकार बेबुनियाद हम लोग पर इल्जाम ये लोग लगाया जा रहा है। तो सर आप जो यहाँ की जांच टीम है या जो प्रशासन है, इससे आप क्या कहना चाहेंगे? हमको पूरा विश्वास है कि दूध का दूध पानी का पानी प्रशासन करेगा। कि मैं तो इसके बाद हम देखते हैं क्या इसी प्रकार पूरी घटनाएं घटती रहेंगी या कुछ कमी भी आएंगी। हालांकि इस रामनगर प्रखंड में आए दिन प्रत्येक माह में कुछ न कुछ घटना घटती ही रहती है, इसकी क्या हकीकत क्या है फसाना मैं चाहूँगा। इससे संबंधित जो भी अधिकारी है, प्रशासन है, चाहे हमारे जो भी इस स्पेशल ब्रांच है, इसको जांच पड़ताल करें और सही क्या है झूठ क्या है इसको साबित करें। बहरहाल ऐसी खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल को। मैं मोहम्मद रईस, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ वेव इंडिया न्यूज़ रामनगर।